नमस्ते, कुमार जोशी रेस्टोरेंट में मैं आपका स्वागत कर रहा हूँ मेरे एक नए वीडियो के साथ। मई महीना 2021 कर्क लग्न के लिए कैसा रहेगा, कैंसर एसेंडेंट के लिए मई महीना कैसा रहेगा। देखिए, बहुत सारी कुंडलियां होगी आपकी, उसमें लग्न कुंडली में चार लिखा होगा पहले घर में, दिस इज द फर्स्ट हाउस, इसमें चार लिखा होगा तो ये वीडियो देखिएगा, नहीं तो इसको स्टॉप कर दीजिएगा यहीं। चौथी राशि है जो आपका लग्न है और चौथी राशि कर्क है, अगर चार लिखा होगा तो ही देखिएगा। आपके कुंडली में जहां चार लिखा है वहां चंद्र लिखा होगा तो आपकी कर्क राशि है, कर्क लग्न नहीं, ये पहली बात। अगर कर्क लग्न है तो ये वीडियो देखिएगा। ये महीने का हेडिंग दिया मैंने सम्मान में वृद्धि। अभी देखिए, कर्मस्थान में उच्च का सूर्य है, 14 अप्रैल से 13 मई तक कोई ना कोई एक ऐसा सिचुएशन आएगा कि आपकी सम्मान में वृद्धि होगी। कम से कम ये सूर्य कर्मस्थान में है, ये एनर्जी से भर देगा आपको। कर्मस्थान में सम्मान में आपके वृद्धि का ये समय है। आपका काम अगर जो फाइनेंस से, ज्यादातर मैं फाइनेंस से जुड़े हुए ही देखा है स्कॉर्पियंस को, सी राशि है कर्मस्थान में और बिल्डर के पास या तो केमिकल कंपनीज में देखा है मैंने, अधिकतर फाइनेंस केमिकल और पर्टिकुलरली बिल्डर्स के पास। यहाँ एरीज साइन है कर्मस्थान में तो मंगल की राखी है। अभी देखिए, मैंने इस महीने में पर्टिकुलरली आपको ये केयरफुल रहने का डेट दिया है। पहले मैं आपको बताता हूँ, जॉब के लिए केयरफुल आफ्टर 14 मई लिखा है मैंने। 14 मई तक तो सूर्य आपके कर्मस्थान में है, ये कर्मस्थान में 14 अप्रैल से 13 मई तक आपके कर्मस्थान में उच्च का सूर्य है, ये बहुत अच्छा फल देता रहेगा। लेकिन 14 मई से बाद में आगे, यानी कि वो कर्मेश आपके 12वें स्थान में, मंगल 14 अप्रैल से 1 जून तक मंगल आपके 12वें स्थान में, ये आपको केयरफुल रहना चाहिए काम धंधे में। जॉब के लिए आफ्टर 14 में केयरफुल रहिएगा और 1 जून तक केयरफुल रहिएगा, यानी कि एंड ऑफ द मई तक केयरफुल रहना है। बिजनेस के लिए अभी इंतजार करो क्योंकि आपके 8th हाउस में जुपिटर आया है, ये गुप्त धन। देखिए, यहाँ लग्न में हम है, यहाँ पूरी दुनिया है, दुनिया का पैसा अष्टम स्थान में, लग्न में हम सप्तम में पूरी दुनिया और ये दुनिया का पैसा अष्टम में, यानी कि मृत्यु से या तो जमीन में गड़ा हुआ धन या तो एक्सीडेंटल जो बहुत सारा धन मिलने का योग जो है ये 8वें स्थान का गुरु दिलाता है। बट बिजनेस के लिए अभी इंतजार करना है, हेल्थ के लिए भी केयरफुल रहना है आपका, षष्ठेश अष्टम में विपरीत राजयोग में, बट केयरफुल फॉर द हेल्थ। आपका वजन बढ़ने से होती बीमारियां 8वां गुरु दे सकता है। अभी 4 महीने तक देखिए, अप्रैल से लेके सितंबर तक, 13 सितंबर तक, अप्रैल मई जून जुलाई और अगस्त, 4 महीने तक आपके अष्टम स्थान में जाता हुआ गुरु सडनली कोई बहुत बड़ा फाइनेंशियल बेनिफिट भी दे सकता है, बट चीटिंग करके भी हो सकता है फायदा हो, ऐसा भी फायदा हो सकता है। 8th हाउस का गुरु का ये काम है। हेल्थ के लिए केयरफुल रहिए, स्टूडेंट को केयरफुल रहना है। अभी गुरु 6, 8, 12 से गया, यानी कि स्टूडेंट को केयरफुल रहना है, देव टू वर्क हार्ड। अगर आप स्टूडेंट है आपको ज्यादा मेहनत करनी है, केयरलेस नहीं करिएगा। अभी लव वाले लोगों के लिए, मोहब्बत करने वाले लोगों के लिए, संतान स्थान में लव हाउस में केतु है, ये लव हाउस का केतु गुप्त प्रेम संबंध बनवाता है, यानी कि कोई भी गुप्त संबंध प्रेम संबंध बनवाएगा ये अप्रैल 2022 तक आपके जीवन में कोई ना कोई गुप्त प्रेम संबंध का अनुभव भी आपको देगा। आप ये टाइम खत्म होते तक आपको समझेगा मेरा बोलना क्या है। बच्चों के प्रति जो इनसेटिस्फेक्शन है ये भी केतु देता है। केतु की पीड़ा के लिए देखिए, स्ट्रीट डॉग को खाना खिलाओ लाभ होगा, कंबल का दान करो लाभ होगा। केतु 5th हाउस में है इसके लिए। और विष्णु सहस्रनाम अमावस के दिन 11 मई 2021 को अमावस है, इस महीने में अमावस के दिन विष्णु सहस्रनाम करके बहते जल में नारियल बहाने से भी राहु केतु का कुछ हद तक आप नेगेटिव फल को कम कर सकते हैं। मैरिज के लिए कोई चांस नहीं है, सप्तम स्थान में शनि है, शनि बोर्डम से भरा हुआ है, ऑलरेडी मैरिड है उनके भी मैरिज लाइफ में बोरिंग मैरिज लाइफ चलेगी। अभी ये गुरु जब तक आपके अष्टम स्थान में है 13 सितंबर तक, 6 अप्रैल से 13 सितंबर तक कोई विवाह की संभावना नहीं बताता। 13 सितंबर के बाद गुरु वापस कैप्रिकॉन मकर राशि में जाएगा, आपके 7th हाउस से मूवमेंट करेगा और 20 नवंबर 2020 तक ये आपके सप्तम में रहेगा, तब विवाह का मौका देगा। अभी विवाह का कोई चांस नहीं है। ये महीने में आपको केयरफुल रहने का तारीख है, वो बहुत सारा तारीख है, मैं डेट वाइज बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए, महीने की शुरुआत ही आपके इल हेल्थ से शुरू हो सकती है, यानी कि तबीयत खराबी का जो प्रॉब्लम है ये हो सकता है, कोई काम में भी आपको बहुत टेंशन आया रहेगा। ये लगभग दोपहर को 2 बजे तक, 2 तारीख को
2 तारीख को दोपहर को 2 बजे तक खर्च भी होगा, हेल्थ के लिए भी केयरफुल रहना है, कहीं जगह नहीं पड़ेगा। यू आर ओवर सेंसिटिव पीपल, ज्यादातर भाई आप जैसे लोगों को देखता हूं जरूरत से ज्यादा सेंसिटिव है, बहुत फीलिंग्स होती है आप लोगों को, जब छोटी सी बात का बहुत बुरा लग जाता है। मैरिज लाइफ का स्पाउस उम्र में या तो बड़ा होता है, शनि की राशि है सप्तम में, या तो बोर्डम से भरा होता है। कभी भी याद रखिएगा कैंसर है जिसको, बहुत फ्लावरी मैरिज लाइफ बहुत रेयर मिलती है, बहुत कम मिलती है, अनलेस एंड अंटिल आपका बर्थ का 7th हाउस बहुत अच्छा हो, शुक्र जैसा ग्रह हो तो एक्सेप्शन है, अदरवाइज मैरिज लाइफ बहुत बोर्डम से भरा होता है। अभी 2 तारीख को दोपहर को 2 बजे के बाद समझ लीजिएगा, 2 या 2:30 बजे के बाद, 2 तारीख 3 तारीख और 4 तारीख को रात को 8 बजे तक का जो टाइम है, ये आपके स्पाउस को समझने का टाइम है। अगर आपका बिजनेस अगर पार्टनरशिप में है तो 2, 3 और 4, 2 तारीख को 3 बजे के बाद दोपहर को, 3 और 4 तारीख को रात को 8 बजे के पहले, मतलब 2, 3 और 4 का जो मैंने टाइम दिया वो ध्यान रखिएगा। मैरिज लाइफ के स्पाउस को आप अच्छी तरह से समझ सकेंगे, बिजनेस पार्टनरशिप में तो आप पार्टनर के साथ का जो मिसअंडरस्टैंडिंग है इस तारीख के दौरान थोड़ा कम कर पाएंगे। कर्मस्थान में उच्च का सूर्य है, फाइनेंस पर्टिकुलरली सेकेंड लॉर्ड उच्च का हुआ है, गणेश उच्च का हुआ है, कोई ना कोई लाभ आपको आर्थिक लाभ भी देगा, प्रतिष्ठा भी बढ़ती हुई नजर आएगी। 4 तारीख को रात को 8 बजे के बाद, 9 बजे के बाद पकड़ लीजिए, रात को 9 के बाद, यानी कि वो तो दिन गया ही है। 5 और 6 तारीख आपके लिए डिफिकल्ट है, 4 तारीख का इसमें जो लिखा है मैं उसको काट रहा हूं क्योंकि ये कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। रात को 9 बजे के पहले अपना काम क्लियर कर लीजिएगा 4 तारीख को। 5 और 6 तारीख पर्टिकुलरली थोड़े केयरफुल रहने की जरूरत है, कहीं ना कहीं ऐसा आपको होगा, दुख होगा, ऐसी घटना आकार लेगी पर्टिकुलरली। ये हेल्थ के लिए मैं बोला और ये आपका अपमान हो सकता है, इसके लिए नेगेटिव है 5 और 6 तारीख को। आपको पता है कि ये दुखजनक सिचुएशन है, जैसे अगर आध्यात्म में चलते हो तो आपके लिए 5 और 6 तारीख बहुत अच्छा दिन साबित होगा। अगर आप रिलीजियस कोई काम, आध्यात्मिक कोई ध्यान योग साधना करते हैं तो ये गुरु आपको बहुत अच्छा फल दे सकता है। ईश्वर जो 8वां स्थान है, 4th, 8वां और 12वां, ये आध्यात्मिक ईश्वर प्राप्ति का जो हाउस है 4, 8, 12 से संबंधित मोक्ष त्रिकोण है, धर्म अर्थ काम और ये मोक्ष त्रिकोण है पर्टिकुलरली, तो ये दिन आध्यात्मिक तरक्की के लिए अच्छा है। 5 और 6 तारीख को आप आपके मैरिड लाइफ के स्पाउस के परिवार से, यानी कि आपके पति या पत्नी के परिवार से ज्यादा अटैच हो जाएंगे पर्टिकुलरली 5 और 6 तारीख को। अभी 7 तारीख देखिए सुबह से ही है, 7 और 8 तारीख और 9 तारीख को शाम को 5:30 के पहले, यानी कि 7, 8 और 9 तारीख आपके लिए कोई ना कोई लकी चांस लेके आएगा। काम धंधे में हो सकता है, देखिए भाई बहन के मैरिज लाइफ से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पॉजिटिव कनेक्शन आएगा आपका, इट विल बी ए पॉजिटिव वन। 7, 8 और 9 लकी होगा आपका, माइंड एकदम रिलीजियस होगा, हो गया होगा क्योंकि गुरु भी अष्टम में आए, यानी कि आप और चांस मिलेगा, कुछ ना कुछ लर्न करने मिलेगा 7, 8 और 9 को पर्टिकुलरली। अगर तो आपकी उम्र अगर थोड़ा ज्यादा है, यानी कि समझो 60-65 के आजू बाजू है, तो ये दिन है आपके ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ एंजॉय करने का, 7, 8 और 9। और अगर आप उम्र में छोटे हैं तो अपनी आध्यात्मिकता से आप कनेक्ट कर हो सकते हैं, या तो कहीं ना कहीं ट्रैवलिंग पर जा सकते हैं, कोई ना कोई रिलीजियस थॉट, और ये दिन आपके लिए अच्छा साबित होगा। अभी दोस्त हुआ जॉबलेस पर्टिकुलरली, उनके लिए 10 और 11 को भले अमावस है, फिर भी 10 तारीख बेस्ट है जॉबलेस लोगों के लिए, 10, 11 तारीख 9 तारीख को 5:30 के बाद, यानी कि 10 तारीख और 11 तारीख आपके जॉब के लिए बहुत अच्छा रहेगा, काम धंधे के लिए, यानी कि बहुत जल्दी आप आपका काम कर पाएंगे और जल्द से जल्द आप आपके घर काम फिनिश करके आपके घर आप पहुंच पाएंगे, इट विल बी ए गुड डे। 12 और 13 मई को दोस्तों के साथ एंजॉय करने का टाइम है, दिस इज द टाइम टू एंजॉय विद योर फ्रेंड्स। अगर शेयर बाजार से रिलेटेड है अगर आप, तो 12 और 13 तारीख को आपके जो गैसिंग होगा मार्केट के बारे में वो एकदम करेक्ट साबित होगा। आपको 12 और 13 तारीख को अगर शेयर बाजार से रिलेटेड है या फाइनेंस पर्टिकुलरली, मैंने बहुत सारे देखे हैं शेयर बाजार से रिलेटेड भी कैंसरियंस को देखे हैं, एडवाइजर देखे हैं, कैंसरियन देखिए बहुत दिल के साफ है, तो एडवाइस के काम में मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं। 12 और 13 तारीख आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में आप कहीं ना कहीं मेजर चेंजेस करते हुए नजर आएंगे अपने आप को। आप 12 और 13 तारीख विल बी द गुड। अभी 14 तारीख और 15 तारीख और 16 तारीख ये दिन अच्छे नहीं है आपके लिए, ये महीने का सबसे डिफिकल्ट टाइम है 14, 15 और 16। इस दिन में हो सके तो अपने डिसीजन पेंडिंग रखिएगा, सामने से चल के मुसीबत सर पे नहीं लीजिएगा। 14,
15 और 16 मई को। वेट, अगर आपको लग रहा है कि कोई डिसीजन लेना जरूरी है 14 तारीख को, 15 तारीख को, 16 तारीख को, तो ठीक है, अदरवाइज 14, 15, 16 को कोई हॉस्पिटल की मुलाकात ना हो जाए तो गौरजीत समझिएगा, 14, 15, 16 विल बी एन एक्सपेंसिव टाइम। ऑफिस में भी आपके पीछे कोई ना कोई स्पीड के पीछे षड्यंत्र करता हुआ आप पाएंगे, और वो आपकी समझ में तभी आएगा भी नहीं, वो आपके 4-5 दिन जाने के बाद समझ में आएगा कि 14, 15, 16 तारीख को आपका नुकसान हो गया, ऐसा कोई काम हो गया। 17, 18 तारीख ये आपके लिए रिवाइज करने का टाइम है, अपने आपके लिए देने का टाइम है। 17 और 18 तारीख को हो सकता है जो आपने गलती कर दी है 14, 15, 16 को, उसको रेक्टिफाई करने का मौका मिलेगा आपको 17, 18 और 19 तारीख को 3 बजे के पहले। और ये दिन आप अपने आप को स्टडी करेंगे, वेयर यू आर गोइंग रॉन्ग समवेयर, जहां देखिए हर महीने का या हर 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 वक्त आदमी अपने आप को रिवाइज करता है। जो तारीख है 17, 18 और 19 तारीख को दोपहर को 3 बजे तक का टाइम, ये आप अपने आप को अबाउट रिवाइज करेंगे कहाँ कहाँ गलत हो रहे हैं और किस तरह से फ्यूचर स्ट्रेटजी आप बना पाएंगे। 17, 18 और 19 इट विल बी ए गुड डे। 19 तारीख को 3 बजे के बाद और 20 तारीख को और 21 तारीख को, 21 तारीख को रात को 9 बजे तक, मतलब देखिए 19 तारीख यानी कि 20-21 को आपके हाथ में एक अच्छा खासा पैसा आना चाहिए। 20 और 21 को कोई भी वजह से आपने जो भी कहीं से पैसा मांगते हो तो वह मांग के देखिएगा, एस्ट्रोलॉजी को अजमाना है तो अजमाइएगा। 20 और 21 तारीख को आपके हाथ में एक अच्छा खासा पैसा आना चाहिए, 19 तारीख को 4 बजे के बाद शाम को, अंदाजन 4 बजे के बाद और 21 तारीख को रात को 9 बजे के पहले आपके हाथ में आपका पर्स भरा हुआ रहेगा। 22-21 तारीख को रात को 9 बजे के बाद यानी कि 22 और 23 तारीख को भाई बहन के साथ का रिलेशन आप इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे, पड़ोसियों के साथ रिलेशनशिप इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे 22 और 23 को। ये 22 और 23 तारीख का जो दिन है ये आपकी हिम्मत भी बढ़ाता हुआ नजर आएगा। मैं ज्यादातर ये देखता हूँ कि कन्या राशि में जो चंद्र जाएगा आपके, यानी कि कोई शॉर्ट ट्रिप ट्रैवलिंग भी दे सकता है, फिरने का काम कर देता है जैसे ट्रैवलिंग का। 22 और 23 तारीख भी एक कर्मस्थान में चैलेंज आके खड़ी हो जाएगी, क्योंकि कर्मस्थान से 6वां स्थान है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 वो आप चैलेंज बखूबी पार कर पाएंगे, 6वां स्थान है इसके लिए कन्या का। अभी 24 और 25 तारीख, पूरा 24 तारीख और 25 तारीख अंदाजन यू विल फील हैप्पीनेस एट होम, घर पे बहुत आनंद में होंगे 24 और 25 को। 24 और 25 को आप घर पे बहुत खुश खुश होंगे, 25 मतलब यू विल फील बहुत घर से, पर्टिकुलरली मामा से आके, यू आर वेरी पर्टिकुलरली, मैं ज्यादातर कैंसरियन को देखता हूँ, मामा बॉय ही बोलते हैं हम लोग इनको, 24 और 23 और 24 को ममा से आपका पर्टिकुलरली 24 और 25 को पूरे दिन आप ममा से आपका डिस्टेंस बहुत हद तक कम कर पाएंगे, वापस आप ममा के साथ अटैच हो जाएंगे 24 और 25 के लिए। अभी 26 और 27 का जो तारीख है वो आपके बच्चे के साथ स्पेयर करने का टाइम, यानी कि बच्चे के प्रोग्रेस रिपोर्ट देखेंगे, हो सकता अगर बच्चे बड़े हैं तो उनकी कोई ना कोई तरक्की सुनेंगे 26 और 27 को। यू कैन मिनिमाइज द डिस्टेंस बिटवीन यू एंड योर लव्ड वन, जिससे आप प्यार करते हैं, जिससे मोहब्बत करते हैं, उसके लिए ये टाइम स्पेयर करने का टाइम है 26 और 27 तारीख का। 28 और 29 वापस आपका 28 और 29 पर्टिकुलरली हेल्थ के लिए केयरफुल रहने का टाइम है। 28 और 29 तारीख आपके हेल्थ के लिए केयरफुल रहिएगा। 27 नो प्रॉब्लम, 27 आपके बच्चे के साथ का आपको एंजॉय करने का टाइम, 10:30 बजे तक का इसके बाद का ये टाइम है। तो 28 और 29 तारीख आपके हेल्थ के लिए, यानी कि 27 को रात को खाना खाने के वक्त जरा केयरफुल रहिएगा, मतलब कुछ भी ऐसा दही छाछ जैसे शीत प्रकृति आपकी ऐसा नहीं खाइएगा। 28 और 29 तारीख एक्सपेंसिव रहेगा आपके लिए और खर्च भरा रहेगा, और एट द एंड ऑफ द मंथ 29 तारीख से रात को 10 बजे के बाद यानी कि 29 तारीख को रात को 12-1 बजे के 12 बजे के बाद का टाइम है, 23 है तो 30 और 31 तारीख समझ लीजिएगा, 29 तारीख को तो तक का तो टाइम अच्छा है आपके लिए। 28 और 29 तारीख अच्छा दिन है, यू हैव टू बी केयरफुल, अच्छा दिन मतलब केयरफुल रहने वाला दिन है हेल्थ के लिए। 30 और 31 तारीख आपके लिए बेस्ट रहेगा आपके मैरिड लाइफ के स्पाउस को समझने के लिए,
बिजनेस अगर पार्टनरशिप में कोई बात अगर आप आपके स्पाउस पार्टनरशिप के साथ करना चाहते हैं तो वो आप 30 और 31 मई को इजीली कर पाएंगे। ट्राई करिएगा, उसका क्या फायदा ले सकते हैं पार्टनरशिप में, पर्टिकुलरली ये लिया जा सकता है। अभी देखिए प्रदोष के बारे में बताता हूं मैं आपको, 9 तारीख और 24 तारीख को प्रदोष है। प्रदोष का देखिए कर्मस्थान का स्वामी आपका मंगल है, मंगल 12वें स्थान में है इस वक्त। 9 मई और 24 मई अगर प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई कामकाज करते हैं, जैसे अभी 8वें स्थान में गुरु है, चतुर्थ को देख रहे हैं, वार्षिक स्थान का गुरु है जो घर को देख रहे हैं, हेरिडेटरी में जो घर मांगना है तो ये बेस्ट टाइम चल रहा है। थोड़ा इंतजार करिएगा, 14 अप्रैल के पहले मांगना चाहिए या 1 जून के बाद मांगिएगा, 1 जून से पर्टिकुलरली 20 जून के बीच, 1 जून 2 जून को गुरु ये मंगल बदल जाएगा, 20 जून तक आप कुछ ना कुछ फायदा ले सकते हैं। मंगल अभी बाद में लग्न में आ जाएगा नीचे राशि का, तो प्रदोष का व्रत करिएगा। 9 और 24 तारीख को प्रदोष है, प्रदोष का व्रत करिएगा, ये भगवान शिव का व्रत है। अगर जन्म का चंद्र अगर आपका नेगेटिव, जन्म का चंद्र देखिए लग्नेश ही है आपका, अगर 6, 8, 12 में है, तीसरा स्थान भी खड्डा है, 6, 8, 12, 3 इवन राहु के साथ हो, शनि के साथ हो, तो कहीं ना कहीं ये नेगेटिविटी से मंगल चंद्र को नेगेटिविटी मिलती है प्रदोष का व्रत करने से। ये भगवान शिव का व्रत है 9 मई और 24 मई को, पर्टिकुलरली 24 में सोमवार का है, मंडे का ये प्रदोष है, तो ये दरिद्र नाशक माना जाता है। बहुत अच्छा रहेगा आप अगर इस दिन उपवास करते हो और भगवान शिव का दर्शन करने के बाद शाम को 5:30-6 बजे सनसेट होता है, सनसेट के पहले शिव दर्शन करने के बाद खाना खाइए। और ये देखिए 15 मई और 29 मई को चतुर्थी, ये संकष्टी है, कृष्ण पक्ष की चतुर्थी है 29 मई को, और 15 मई को सूद पक्ष की चतुर्थी है। इस दिन अगर आपका प्रॉपर्टी का कोई डिस्प्यूट है, काम धंधे में फिर ट्रबल देख रहे हैं आपका कर्मेश भी 12वें में, तो ये 15 मई और 29 मई को ये दिन गणपति जी का, गणपति बापा का दर्शन करने के बाद खाना खाइएगा। इस दिन आप फास्ट कर सकते हैं चतुर्थी का, इससे आपके प्रॉपर्टी का मामला कोई डिस्प्यूट से भरा है तो उसमें भी रिलीफ होगा। जैसे मंगल अष्टम में हो, 12वें स्थान में हो, लग्न में नीचे राशि का हो, तो कहीं ना कहीं नुकसानकारक साबित होता है ये आपको समझेगा। 12वें स्थान में तो ये बेडरूम का मंगल है, तो ये बेडरूम में झगड़ा करवाता है। 14 अप्रैल से 1 जून तक गाय को गुड़ खिलाते रहो, लाभदायक रहेगा। अमावस का मैंने बताया, अभी देखिए ये बताता हूँ मैं खंगराज चंद्र ग्रहण का। इस दिन 26 मई को ग्रहण है, खंगराज चंद्र ग्रहण है, पूर्णिमा है। ग्रहण स्पर्श ग्रहण मध्य ग्रहण मोक्ष, स्पर्श में कनेक्ट होता है धीरे से, उस पर छाव आनी शुरू होती है, मध्य एकदम सेंटर हो जाता है, और ये मोक्ष यानी कि यहां से छुट्टी ग्रहण की। इस वक्त अगर जो आप कोई भी मंत्र साधना करते हैं, देखिए चंद्र का लग्न है तो आप लोग ज्यादातर विचारों से ही परेशान हो जाते हुए मैंने देखे हैं। सो आध्यात्मिकता में पर्टिकुलरली मंत्र साधना करने से ज्यादा लाभ होता है, ईश्वर स्मरण करने से। गुरु का दिया हुआ मंत्र है तो इसको आप उस वक्त सिद्ध कर सकते हैं। देखिए कोई भी मंत्र को सिद्ध करना हो तो 1-1 करोड़ मंत्र करने पड़ते हैं। जैसे कोई भी मंत्र हो, आपके गुरु ने इष्ट ने दिया हुआ मंत्र है, जल्दी से सरलता से वो मंत्र सिद्ध नहीं होते, बट ग्रहण के टाइम, ग्रहण के समय अगर आप मंत्र साधना करते हैं, आप कोशिश करके देखिएगा। ये ग्रहण का समय है 26 मई का, और पर्टिकुलरली 3 बजे दोपहर को, 3 बजे से लेकर शाम को 6:30 बजे तक का टाइम है। इस वक्त आप मंत्र साधना कर सकते हैं, आपके लिए लाभदायक रहेगा। 14 मई को अक्षय तृतीया, अक्षय तृतीया मतलब बिना देखा हुआ पूरे दिन का मुहूर्त है। इस दिन में कोई अगर कोई आप कोई चीज अच्छी चीज खरीदते हैं तो इसको आप ओपनिंग कर सकते हैं इस दिन में। ये मूर्त शास्त्र में इसका बहुत महत्व है, इन तारीखों का, 14 मई का ये तारीख का बहुत महत्व है। ये देखिए चंद्र ग्रहण का मैं पर्टिकुलरली ये बोला था कि जिस राशि में ग्रहण होता है, जिस नक्षत्र में, उस नक्षत्र को बाद में आने वाले लगभग 90 दिन तक उसको टाला जाता है, उस नक्षत्र को हर शुभ कार्य में, जो सूर्य से अस्त हो, सूर्य के साथ हो, वो नक्षत्र को भी नहीं माना जाता अच्छा। सूर्य से दग्ध बोलते हैं उसको, जल गया हुआ अस्त हो सूर्य से, या राहु से ग्रस्त हो, राहु के साथ हो, या पर्टिकुलरली ऐसा कोई ग्रहण के ग्रहण जिसमें हो गया हो, उसको टाला जाता है मुहूर्त में। तो ये सब स्टडी, मुहूर्त का स्टडी इससे डिफरेंट सब्जेक्ट, बट ये दिन अक्षय तृतीया का 14 मई का दिन आप कोई भी चीज खरीदते लाते हैं उसको आप यूज कर सकते हैं फर्स्ट डे, इसको ओपनिंग के लिए अच्छा दिन माना जाता है। अभी जरा गज केसरी योग के बारे में आखिरी में बताता हूँ आपको थोड़ा। देखिए आसमान में गुरु इस वक्त कुंभ राशि में है, गज केसरी योग हर महीने में 4 टाइम बनता है, जैसे यहां से केंद्र में यानी कि यहां, यहां और यहां,
एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, ये केंद्र है। ये इस राशि में जब गुरु है तो चंद्र जब कुंभ राशि में हो, वृषभ राशि में हो, सिंह राशि में हो या वृश्चिक राशि में हो, तब गज केसरी योग बनता है, ये उसकी तारीख है। और ये गज केसरी योग का आप बेनिफिट ले सकते हैं, इसी मार्केट में मनी फ्लो अच्छा होता है आपके लिए। देखिए मैंने जो ये कुंभ का जो गज केसरी योग है इसको नेगेटिव में लिखा है, नेगेटिव डे में। कुंभ राशि का गज केसरी योग आपका पहले ही है 5 मई का, ये केयरफुल वाले दिन में लिखा है आपको 5 मई का, तो इसका ज्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा आपके अष्टम स्थान में। बट हेरिटेशन से अगर आपको वारसे में बात करनी हो तो यह 8वां गुरु है आपके लिए 6 अप्रैल से 13 सितंबर के बीच। ये कहीं ना कहीं आपको आजन्म से लाभ दे सकता है, वारसे से लाभ दे सकता है, तो वो लाभ दे सकते हैं आप 5 मई को 5:35 को चंद्र गुरु का गज केसरी योग आपके अष्टम स्थान में हुआ है। इसकी 9वीं दृष्टि है जो आपके घर के स्थान में, यानी कि वारसे में अगर घर की मैटर अगर कहीं ना कहीं कंफ्यूजिंग में है या प्रॉब्लम में है तो आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। 12 मई को शाम को 6 बजे ये भी गज केसरी योग बना है। 20 तारीख को गज केसरी योग बना है 3:37 को, ये भी अच्छा रहेगा आपके लिए। 20 मई को सिंहस्थ, तो ये पैसा देगा। देखिए 20 मई का मैंने जो बताया आपको कि कहीं ना कहीं, देखिए ये 20 और 21 तारीख का मैंने बताया कि आर्थिक लाभ का दिन है, बहुत अच्छा खासा गज केसरी योग भी बना है। और 26 मई का भी गज केसरी योग बना है आपके संतान स्थान, ये भी एक कहीं ना कहीं लाभदायक रहेगा आपके चाइल्ड के मामले में। देखिए संतान स्थान में केतु आया, मैंने बोला ऐसा स्ट्रीट डॉग को खाना खिलाइए, कंबल का दान करिएगा ठंडी में, लाभदायक रहेगा आपके संतान की तरक्की के लिए। केतु अप्रैल 2022 तक आपके संतान स्थान में रहेगा, प्रेम के स्थान में, ये गुप्त प्रेम संबंधी बनवाता है, केयरफुल रहिएगा। बाकी ये है आपका लेखा जोखा इस महीने का। सम्मान में वृद्धि होगी आपकी, कर्मस्थान में उच्च राशि का जो सूर्य है आपको 14 अप्रैल से 13 मई में कहीं ना कहीं आपको रिकॉग्निशन जरूर दिलाएगा ये। तो ये है आपका महीने का मेरा प्रेडिक्शन। जो लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आई एम रिक्वेस्टिंग प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक मार कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।